ये जो ग्लव्स देख रहे हैं ना आप, ये मैंने किसी ऑपरेशन के लिए नहीं पहना हुआ। ये मैंने पहना था कि मैं जब बाहर गया हूं तो मैं प्रिकॉशन लूं, सैनिटाइजर साथ में लेके जाऊं, प्रॉपर मास्क अपना हो जो मुझे पूरा प्रोटेक्शन दे, सी करे फेस को नोज को सब, ये प्रिकॉशन लेके मैं बाहर गया। लेकिन मैं जब बाहर गया तो देखा मैंने लोगों को कि ये लोग ये प्रिकॉशन नहीं ले रहे, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, बहुत कम लोगों ने ग्लव्स, तो बहुत दूर की बात है, दे आर नॉट कैरिंग एनीथिंग। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग बोली गई थी वो भी कोई मेंटेन नहीं कर रहा। लोग आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, चिपक के घूम रहे हैं, जहां कोई सामान ले रहा है वो एक दूसरे से इतना चिपक के खड़ा है कि डिस्टेंस से दूर की बात। तो शायद आप लोग ये भूल गए हैं कि हम 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, एंड दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये सारे के सारे सरकारी आंकड़े हैं। तो ये काउंटिंग आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है और किस कदर है। तो दिस इज वेरी सीरियस। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम प्रिकॉशन ले सकें। अफकोर्स हमको जाना है बाहर काम के लिए और हमारे काम को रुकने वाला नहीं है, अफकोर्स यहाँ पर मूव होना है सर्वाइव करने के लिए। बट आपको सबको ये ध्यान रखना होगा कि हम ये सारी चीजें मेंटेन करें। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ अदर्स आल्सो एंड योर फैमिली बाय डूइंग दैट। We have to keep working at the same time, but taking precaution is the most important thing. So don't neglect this. Thank you so much. Yeah, and always wear this. And उसके बाद आप इसको निकालें और जहाँ पे भी हो, of course you are not using it again, so just as simple as that. But dustbin में इसको डाल दें. Okay.